हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग जनकुक से बड़ा है, वो भी 2 साल का। जनकुक तियांग से 2 साल छोटा है। दोनों के बीच में बहुत ही गहरा रिश्ता है। दोनों एक दूसरे के साथ ही बड़ा हो रहे हैं। जनकुक अभी 15 साल का है और तियांग 17 साल का। दोनों के बीच में एक बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग हो गया है। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाता है। तियांग ने जनकुक से कहा, अगर मैं तुम्हें छोड़कर कभी बहुत दूर चला जाऊंगा तब तुम क्या करोगे? जनकुक ने कहा, मैं तो मर ही जाऊंगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। तियांग ने कहा, मैं भी। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को हक कर लिया। पहले तो इन दोनों की फैमिली मेम्बर को कोई प्रॉब्लम नहीं था इन दोनों की रिश्ते को लेकर, लेकिन कुछ दिनों से वो दोनों बहुत ही करीब आ रहे थे तो उन लोगों को बहुत ही शक हो रहा था। इसीलिए वो लोग आपस में फैसला कर लेता है कि उन लोगों को इन दोनों को अलग करना होगा। मिस्टर किम और मिसेस किम ने मिस्टर जियोन और मिसेस जियोन से कहा, कैसे भी करके जनकुक का तियांग को अलग करना है। तो मिस्टर जियोन ने कहा, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं जनकुक को बाहर भेज दूँ पढ़ाई करने के लिए, हो सके तो आप तियांग को दूर भेज दीजिए। मिस्टर किम ने कहा, ठीक है तो फिर ऐसे ही करता हूँ। उसके बाद मिस्टर किम जनकुक को और तियांग को अलग करने के लिए तियांग को बाहर भेजने की पूरी तैयारी कर लेता है और तियांग को कहता है, जल्दी से अपना बैग पैक कर लो। तियांग ने कहा, क्यों? मुझे कहाँ जाना है डैड? तो मिस्टर किम ने कहा, मैं तुम्हें अपने साथ कहीं लेकर जाना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, मुझे नहीं जाना है, मैं पहले जनकुक से मिलना चाहता हूँ। कहीं पर जाने से पहले मुझे उससे बात करना पड़ेगा। और हम लोग कब वापस आएंगे? तो मिस्टर किम ने कहा, कब वापस आएंगे? बहुत ही जल्दी आ जाएंगे, फिलहाल के लिए तुम अपना बैग पैक कर लो। तियांग ने कहा, मुझे पहले जनकुक से मिलना है। मिस्टर किम ने कहा, मैंने कहा ना, जाओ जाकर अपना बैग पैक कर लो, हमें अभी निकलना होगा। जनकुक बहुत ही रो रहा था। मिस्टर जियोन ने उसको घर में बंद कर लिया था और उससे कहा, तुम बाहर नहीं जा सकते हो। जनकुक कहता है, डैड लेकिन ऐसा क्यों? मुझे बाहर जाना है, वरना मैं तियांग से कैसे मिल पाऊंगा? मुझे उससे मिलना है, मैं उसको नहीं देखा है आज पूरे दिन में। तो मिस्टर जियोन ने कहा, वो तुम्हें छोड़कर जा रहा है, वो तुमसे नहीं मिलना चाहता है, और तुम हो कि उससे मिलने के लिए पागल हो रहे हो। तुम्हें कहीं नहीं जाना है, तुम घर में ही रहो। यहाँ पर जनकुक कहता है, प्लीज़ डैड मुझे जाने दीजिए ना, मुझे उससे जाकर मिलना पड़ेगा। यहाँ पर मिस्टर किम ने कहा, तियांग तुम किससे मिलने के लिए इतना ज़िद कर रहे हो? हाँ, जिससे मिलने के लिए इतना ज़िद कर रहे हो ना, वो तुमसे मिलना भी नहीं चाहता है, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता है वो, और तुम हो कि उससे मिलने के लिए मरे जा रहे हो। तियांग ने कहा, मुझे आपकी बातों पर कोई भरोसा नहीं, मैं जनकुक से मिलना चाहता हूँ, और आप मुझे कहाँ लेकर जाने वाले हो, और आखिर आपके दिमाग में क्या चल रहा है? मिस्टर किम ने कहा, छोटे हो छोटे बनकर रहो, ज़्यादा बातें मत करो और चलो मेरे साथ। जनकुक कहता है, डैड मुझे जाने दीजिए, मैं तियांग से मिलना चाहता हूँ। अगर सच में तियांग जा रहा है तो मुझे आखिरी बार उसे मिलने दीजिए ना डैड। यहाँ पर मिस्टर जोन जनकुक को रोक लेता है और कहता है, नहीं जाना है तुम्हें, तुम्हें घर में ही रहना है, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम तियांग से जाकर मिलो। मिस्टर किम ने भी तियांग से सेम बात ही बोला है। तियांग ने कहा, लेकिन मुझे उसे मिलना ही होगा। दोनों बहुत ही जिद कर रहे थे। फाइनली उन दोनों ने एक दूसरे की फैमिली मेम्बर के साथ बातें किया और कहा, कुछ देर के लिए उन दोनों को मिलने देते हैं, उसके बाद दोनों को अलग कर देंगे। जनकुक और तियांग जैसे एक दूसरे को देखते हैं, दोनों एक दूसरे को बहुत ही कस के पकड़ लेता है। यहाँ पर मिस्टर किम और मिस्टर जोन दोनों को खींच कर अलग कर देता है और कहता है, बस बहुत हो गए हैं, तुम दोनों ने एक दूसरे से मिलना था ना, तो मिल लिया है। जनकुक का तियांग ने कहा, लेकिन अभी तक हमने बात भी नहीं किया है। जनकुक कहता है, तियांग मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, मैं भी, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। लेकिन मिस्टर किम तियांग को खींच कर लेकर जा रहा था। तियांग ने कहा, डैड मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो आप मुझे इस तरह से लेकर जा रहे हो। तो मिस्टर किम ने कहा, तुम अभी तक बड़े नहीं हुए हो, अपना फैसला नहीं कर सकते हो। और यहाँ पर जनकुक को भी सेम बात मिस्टर जोन भी बोल रहा था। दोनों ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया, चाहे कुछ भी हो जाए और कोई कितना ही कोशिश क्यों ना कर ले, इन दोनों को कभी अलग नहीं कर पाएगा, दोनों मिलकर ही रहेंगे चाहे कितने साल ही क्यों ना लग जाए। उसके बाद मिस्टर किम तियांग को लेकर बाहर चले जाते हैं
और मिस्टर जोन जनको को लेकर कोरिया ही रह जाते हैं और दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पाते हैं। तो फिर टाइम को स्किप करते हुए 5 साल बाद तेयंग कोरिया वापस आ चुके हैं और वो जनकुक से मिलने के लिए आ जाते हैं। जैसे ही घर के बाहर तेयंग कार लेकर आकर जनकुक का इंतज़ार कर रहा था, जनकुक कार की आवाज़ सुनकर दौड़कर बाहर आते हैं। उसने देखा कोई और नहीं, वो तेयंग है। जनकुक दौड़कर आ गए और तेयंग को हक कर लिया। तेयंग ने कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं आया हूँ? जनकुक ने कहा, मुझे एहसास हो गया था कि तुम ही हो सकते हो। तेयंग ने कहा, फाइनली मैं तुमसे मिल पाया। मुझे तुमसे मिलने के लिए इतने साल लग गए। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? तुम मेरा इंतज़ार कर करके थक तो नहीं गए थे ना? जनकुक ने कहा, मैं बिल्कुल नहीं थक गया था। हाँ, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। इन 5 सालों में एक सेकेंड भी मैंने तुम्हें ऐसा नहीं हुआ कि मिस नहीं किया। मैं कभी तुम्हें भूला ही नहीं। मैंने तुमसे बहुत प्यार किया तेयंग, और मैं तुम्हारी यादों को लेकर बहुत ही खुश था। मुझे यकीन था तुम मुझसे मिलने आओगी, और अगर तुम नहीं आते ना, मैं तुम्हारे पास चला आता। तेयंग ने कहा, मुझे पता है माई कपकेक, मैं तुम्हें आज खा ही जाऊंगा। उसके बाद तेयंग जनकुक के होठों पर किस कर लेता है और बहुत ही लॉन्ग और डीप किस कर रहे थे। दोनों 5 साल बाद मिले हैं। दोनों के प्यार बहुत ही ज़्यादा उभर कर बाहर आ रहा था। जनकुक तेयंग को दोनों हाथों से कस के पकड़ लिया था ताकि तेयंग जनकुक को छोड़कर ना जा सके, और तेयंग ने भी जनकुक को टाइटली पकड़ के रखा था ताकि जनकुक को तेयंग से कोई अलग ना कर सके। दोनों ही बहुत ही घबराए हुए थे। इन 5 सालों में दोनों ने बहुत कुछ झेला है। दोनों को बहुत बार समझाया गया ताकि एक दूसरे को भूल जाए, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को नहीं भूल पाया और न ही भूलने की कोशिश किया है। जनकुक का तेयंग फाइनली साथ है, लेकिन ये खुशी कुछ ही दिनों का है। तेयंग के फैमिली डॉक्टर इडली से कॉल करता है तेयंग को। तेयंग ने कहा, क्या हुआ डॉक्टर, आप मुझे इस टाइम पर कॉल क्यों कर रहे हो? तो डॉक्टर ने कहा, मिस्टर किम की तबीयत बहुत ही ख़राब है। तेयंग, आखिरी बार उससे आकर मिल लो। अगर उसे कुछ हो गया तो फिर आपने आपको माफ़ नहीं कर पाओगे। तेयंग ने कहा, ठीक है मैं आ जाता हूँ। जनकुक ने कहा, क्या हुआ तेयंग? तेयंग ने कहा, मुझे वापस जाना होगा इडली। जनकुक कहता है, कुछ हुआ है क्या? क्या बहुत ही सीरियस है? तेयंग ने कहा, हाँ डैड हॉस्पिटल में है और वो मुझे आखिरी बार मिलना चाहता है। जनकुक कहता है, क्या क्या मतलब है कि वो आखिरी बार मिलना चाहता है? वो ठीक तो है ना? तेयंग ने कहा, मुझे भी नहीं पता। आने से पहले तो उनको ठीक ही देखा था, लेकिन डॉक्टर ने कहा तबीयत बहुत ही ख़राब हो गए। जनकुक कहता है, तुम्हें जाना चाहिए। तेयंग कहता है, कहीं उनके कोई चाल तो नहीं होगा ना? तेयंग की बात सुनकर जनकुक ने कहा, ऐसे टाइम पर तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तुम जाओ, जाकर उनसे मिल लो। मुझे नहीं लगता है तबीयत को लेकर कोई झूठ बोल सकता है। तुम्हें जाकर उनसे मिलना चाहिए। तेयंग ने कहा, ठीक है मैं आज ही निकल जाता हूँ। तुम अपना ध्यान रखना, मैं वापस आऊँगा। जनकुक ने कहा, अगर इस बार तुम वापस नहीं आए, मैं खुद तुम्हारे पास आ जाऊँगा। तेयंग ने कहा, ठीक है। उसके बाद तेयंग जनकुक को गुड बाय किस करके चले जाते हैं। यहाँ पर जनकुक बहुत ही अपसेट था। आखिर मिस्टर किम को क्या हो गया? अगर वो सच में बहुत ही बीमार है तो तेयंग क्या करेगा? अगर मिस्टर किम ने तेयंग से कहा कि उनको उनकी पसंदीदा लड़के से तेयंग को शादी करना पड़ेगा तो फिर तेयंग क्या करेगा? जनकुक बहुत ही परेशान थे। ऐसे ही सोच सोच कर एक मंथ गुजर जाते हैं। तेयंग वापस नहीं आ रहा था और ना ही कॉन्टैक्ट हो पा रहा था। तो फिर जनकुक ने भी सोच लिया है उसको इडली जाना है, लेकिन मिस्टर जियोन और मिसेज जियोन ने साफ मना कर दिया। उन लोगों ने कहा, तुम इडली नहीं जा सकते हो। तो जनकुक इयोनो से कहता है, इयोनो ने एक प्लानिंग बनाया। इयोनो और जनकुक बहुत अच्छे दोस्त हैं। मिस्टर जियोन इयोनो के साथ जनकुक की शादी दिलवाना चाहता है। तो जनकुक ने इयोनो से कहा, अगर तुम कहोगे कि तुम मुझे अपने साथ कहीं पर घुमाने लेकर जा रहे हो, वो लोग मान जाएंगे। इयोनो कहता है, ठीक है मैं तुम्हारे और तेयंग के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे भी तुम दोनों की प्यार पर पूरा भरोसा है। मुझे तुम दोनों की प्यार देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। मैं तुम दोनों को अलग नहीं करूँगा, तुम्हें तेयंग के पास पहुँचा दूँगा। मैं चाहो तो तुम्हारे साथ जा सकता हूँ। जनकुक ने कहा, तुम्हें साथ आने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम बस डैड और मॉम से झूठ बोल देना कि तुम भी जा रहे हो मेरे साथ।
उसके बाद जॉनकुक इडली आ जाते हैं और तियांग से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन अभी तक कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। लेकिन जॉनकुक के पास तियांग का एड्रेस था, तो जॉनकुक ने सोच लिया जॉनकुक को तियांग के घर जाना होगा, यानी जिस जगह पर वो रहता है, यानी उसके ऑफिस पर भी जा सकता है वो। अगर घर पर नहीं मिल सकता है तो ऑफिस चला जाएगा। जॉनकुक पहले तियांग के घर आते हैं। उसने देखा कि तियांग ने अपना घर बदल लिया, वो एड्रेस गलत है। वो पहले रहा करते थे लेकिन अभी उस जगह पर नहीं रहता है। जॉनकुक तो पूरी तरह से टूटने वाला था, लेकिन फिर उसने सोचा कि नहीं, मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा, ऑफिस इतनी जल्दी नहीं बदल सकते हैं वो। और ऐसा अगर कुछ हुआ भी होगा तो क्या हुआ है कि तियांग मुझे कोई मैसेज भी नहीं किया और ना ही कोई कॉल किया है। वो यहाँ पर आने के बाद मुझसे एक बार बात भी नहीं किया और उसका एड्रेस भी गलत निकला। अब मैं क्या करूँगा? अचानक जॉनकुक के फ़ोन पर एक मैसेज आता है। जॉनकुक ने जैसे उसको रीड किया, वो उस नंबर पर कॉल कर दिया। तियांग जल्दी से फ़ोन को रिसीव करता है और कहता है, तुम इडली में हो क्या? जॉनकुक ने कहा, हाँ मैं इडली आ गया हूँ तुमसे मिलने के लिए, लेकिन तुमने इतने दिनों में मुझसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया और तुमने ये क्यों लिखा है कि तुम कोरिया आ रहे हो और मुझे सब कुछ बताने वाले हो? क्या बताने वाले थे? तियांग कहता है, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, मेरा इंतज़ार करो, क्रिसमस पार्टी हो रहा है ना, उस जगह पर पहुँच जाओ, मैं भी वहीं पर ही आ रहा हूँ तुमसे मिलने के लिए। जॉनकुक ने कहा, ठीक है। उसके बाद तियांग जॉनकुक से मिलने के लिए आ जाते हैं। जॉनकुक तियांग का इंतज़ार कर रहा था। तियांग पीछे से आकर जॉनकुक को हक कर लेता है। जॉनकुक तियांग की हक को महसूस करते हुए कहता है, तुम आ गए, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तियांग ने कहा, मैं भी। जॉनकुक कहता है, क्या हुआ था? और तुम? तियांग ने कहा, इससे पहले कि तुम मुझे कोई सवाल करो, पहले मुझे तुम्हें देख लेने दो और मुझे तुम्हें एहसास करने दो। उसके बाद तियांग जॉनकुक के होठों पर बहुत ही स्वीटली किस करता है। थोड़ी देर बाद वो उससे अलग होकर कहता है, वो मेरे डैड ने नाटक किया था और उन्होंने मुझे झूठ कहकर इडली बुलाया और मुझे बुरी तरह से बंद कर दिया था रूम में और मुझे कांटेक्ट करने के लिए कोई मौका ही नहीं छोड़ा। जॉनकुक ने कहा, इसका मतलब तुम अभी निकल पाए हो उस जगह से? तियांग कहता है, हाँ तुमने सही समझा, मैं अभी उस जगह से निकल कर आया हूँ और निकलते ही मैंने तुम्हें मैसेज किया और मुझे पता चल गया कि तुम इडली में हो। जॉनकुक ने कहा, हाँ, क्योंकि मुझे और इंतज़ार नहीं हो रहा था, मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रहा था। मैंने सोचा कि कहीं तुम्हें किसी और से शादी ना करना पड़ जाए। मैंने एक माह तक बहुत इंतज़ार किया, मुझसे और नहीं हो पाया तो मैं चला आया। तियांग कहता है, तो चलो हम दोनों बहुत दूर चले जाते हैं, जहाँ जाने के बाद हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता है, उसके बाद दोनों शादी कर लेंगे, उसके बाद तो हमें कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। जॉनकुक ने कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है, मैं भी तुमसे और दूर नहीं रह सकता हूँ, बहुत बर्दाश्त कर लिया है और नहीं कर सकता हूँ। तियांग कहता है, तुमने सही कहा, मुझे तुमसे और दूर नहीं रहना है, मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है तुमसे दूर रह पाना। जॉनकुक, आई रियली लव यू, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। जॉनकुक ने कहा, आई लव यू टू, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया है। उसके बाद तियांग और जॉनकुक पेरिस चले जाते हैं और इस जगह पर आने के बाद दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे। दोनों ने शादी कर लिया फाइनली। उसके बाद जॉनकुक और तियांग एक मिडिल नाइट को बारिश में भीग रहा था, एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हो रहे थे। बारिश में दोनों हैंडसम के साथ साथ बहुत ही हॉट भी लग रहे थे। मिस्टर जियोन और मिस्टर किम को पता चल गया था दोनों एक ही साथ पेरिस है, तो उन लोगों ने गुंडे भेज दिया तियांग और जॉनकुक को अलग करने के लिए, और उन लोगों ने यह भी कह दिया, अगर वो दोनों फिर भी अलग नहीं होना चाहता है तो फिर उन दोनों को जान से मार डालने के लिए। लेकिन उन लोगों ने कैसी बातें बोल दिया। गुंडे जैसे ही जॉनकुक का तियांग को ढूंढ लेता है। फाइनली तियांग और जॉनकुक को वो लोग अलग करने की कोशिश करता है। जॉनकुक का तियांग एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहता है, दोनों ने पूरी तरह से कह दिया, चाहे कुछ भी हो जाए दोनों को कोई अलग नहीं कर पाएगा। तो इन लोगों ने आपस में बातें किया और इन दोनों को मारने का फैसला किया। जॉनकुक का तियांग समझ गया था आखिर वो लोग उन लोगों को मारने के लिए आया है। तियांग भी कोई कम नहीं, तियांग एक माफिया से भी बहुत ही खतरनाक निकला और वो इन गुंडों को एक ही साथ मार भगा दिया, साथ में जॉनकुक ने भी।
बहुत धुलाई किया है उन लोगों की। जनकुक बहुत ही डर जाता है। तियांग कहता है, तुम्हें इतना डरने की कोई बात नहीं, मैं संभाल लूँगा। जनकुक ने कहा, अगर कुछ हो गया तो? वो लोग मर तो नहीं जाएगा ना? तियांग ने कहा, मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है, वो आता ही होगा। जनकुक कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया है? अगर वो लोग हमें पकड़ कर ले गए तो? तियांग कहता है, हमने सिर्फ अपने आप को बचाया है, कोई गलती नहीं किया है, तुम डरो मत। पुलिस आए और उन लोगों को लेकर गया। पुलिस आकर पहले उन लोगों को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, क्योंकि तियांग और जनकुक तो उन लोग की जमकर धुलाई किया था। जैसे ही उन लोग की हालत थोड़ा सा ठीक होता है, पुलिस ने पूछा किसने करने के लिए कहा और किसने तियांग और जनकुक को मारने के लिए तुम लोग को भेजा है, तो उन लोगों ने सारी बातें क्लियरली कह दिया। पुलिस जनकुक की डैड और तियांग की डैड को पकड़ लेता है। तियांग और जनकुक को जैसे ही पता चला, वो लोग उन लोग को छोड़ देने के लिए कहा। पुलिस ने कहा, लेकिन क्यों? तुम लोग को जान से मारने वाला था, फिर भी तुम लोग उन लोग को छोड़ने के लिए कह रहे हो? तियांग ने कहा, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं उन लोग को कोई भी सज़ा मिले। आखिर वो लोग हमारे पेरेंट्स हैं, चाहे वो कितने ही गलती क्यों ना करें, हमें उनके जैसा नहीं बनना है। मिस्टर किम और मिस्टर जोन बहुत ही शर्मिंदा हो जाता है। पुलिस ने कहा, तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया है अपने ही बच्चे के साथ? तो उन लोगों ने कहा, क्योंकि हम नहीं चाहते थे वो लोग एक दूसरे के साथ इतने ज़्यादा क्लोज आ जाए। उन दोनों को तो किसी लड़कियों से शादी करके खुश रहना चाहिए था, अपनी फैमिली बढ़ाना चाहिए था, लेकिन उन लोगों ने आपस में ही शादी कर लिया और हमें सबके सामने शर्मिंदा कर दिया, तो क्या करता? उन दोनों को साथ में नहीं रहना चाहिए। लेकिन जनको का तियांग ने कहा, आप लोग को क्या लगता है, आप लोग की कहने से कुछ भी पलट जाएगा क्या? ऐसा कभी नहीं होगा कि हम दोनों अलग हो जाए। हम दोनों ने शादी किया है, किसी लड़की के साथ शादी करके अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना, इसी को ही हैप्पी फैमिली नहीं कहता है। हैप्पी फैमिली तो वो होगा जिसमें हम दोनों खुश होंगे। किसी और के साथ शादी कर ना खुश रहने को हैप्पी फैमिली नहीं कहा जाता है। देखना, तियांग और मैं साथ में बहुत ही खुश रहने वाले हैं, तियांग ने कहा। और जो रहा बच्चे की बात, बच्चा भी तो हम एडॉप्ट कर सकते हैं ना? इसके लिए किसी लड़की से शादी करना ज़रूरी है क्या? आखिर बहुत से बच्चे हैं जिनके पास पेरेंट्स नहीं है। तो फिर एक साल बाद चनको का तियांग बीच में अपने बच्चे के साथ घूमने आया था। आखिर दोनों ने एक बच्चे को एडॉप्ट लिया था। बच्चा बहुत ही प्यारा सा है, इसका नाम रखा है तेगुक, और दोनों बहुत ही खुश लग रहा था, बच्चे के साथ खेल रहे थे। अचानक तियांग और जनकुक के फ़ोन रिंग होने लगा। तेगुक ने कहा, आप दोनों के फ़ोन बज रहा है, आप लोग रिसीव क्यों नहीं कर रहे हो? जनकुक का तियांग ने कहा, तुम्हारे डैड कॉल किया है क्या? तियांग ने कहा, हाँ। तुम्हारे? जनकुक ने कहा, मुझे भी। तो तेगुक ने कहा, आप लोग बात क्यों नहीं कर रहे हो? मुझे भी आप लोगों से बात करना होता है ना, तो वो लोग भी आप लोगों से बात करना चाह रहा होगा, तो आप लोगों को बात करना चाहिए। तो तेगुक की बातों को सुनते हुए तियांग और जनकुक ने फ़ोन रिसीव कर लिया। मिस्टर जियोन और मिस्टर किम ने कहा, वापस आ जाओ बेटा, हमें हमारी गलती समझ में आ गया है, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। तियांग ने और जनकुक ने कहा, लेकिन आप लोग वापस आने के लिए क्यों बोल रहे हो? क्या आप लोग हम दोनों को साथ में देख सकते हो? तो उन लोगों ने कहा, और शर्मिंदा मत करो, वापस आ जाओ। जनकुक का तियांग कहता है, सोचकर देखता हो और बाद में बताता हो कि आना है या नहीं। जनकुक का तियांग आपस में बातें करते हैं। इन एक साल में तियांग और जनकुक ने इस बच्चे को संभाल कर ये तो समझ गया था, पेरेंट्स होना इतना भी आसान नहीं है। बच्चे को संभालना, उसको बड़ा करना, उसकी परवरिश अच्छी तरह से करना बहुत ही मुश्किल है, और ऊपर से वो ही बच्चा आकर बड़े हो जाने के बाद अपनी मनमर्जी करने लगता है और पेरेंट्स की बात नहीं सुनता है, तो बहुत बुरा लगता है। तो जनकुक ने और तियांग ने डिसाइड किया, वो लोग कोरिया वापस जाने वाला है, मिस्टर जियोन और मिस्टर किम दोनों के पास, और मिसेस किम और मिस्टर जियोन तो बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाला है। जनकुक और तियांग ने सोचा, हम दोनों के अलावा उन लोगों के पास कोई औलाद भी नहीं है, उन लोगों को ऐसा सोचना बहुत ही जायज़ है कि हम दोनों की शादी होंगे, बच्चे होंगे, तो हमें उन लोगों को माफ़ कर देना चाहिए। वो लोग कोरिया वापस आ जाते हैं। मिस्टर जोन, मिसेस जोन और मिस्टर किम और मिसेस किम चारों ही बहुत ही खुश थे, और उन दोनों से यानी जनकुक का तियांग से माफ़ी मांगता है। दोनों ने कहा, हमें भी माफ़ कर दीजिए, हम लोगों ने आप लोगों को बहुत ही तकलीफ़ पहुंचाया है।
तो सब कुछ ख़त्म होने के बाद अब सब कुछ ठीक हो गया है और हैप्पीली सब लोगों ने तेगू को अपना बना लिया, जैसे कि जनको का तियांग का ही बच्चा हो। और अब सब लोग बहुत ही खुश है। तो इसी के साथ दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।